हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाइल्ड वर्ल्ड। प्रीवियस क्लास में हमने ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था और हमने 2D शेप्स के बारे में बात किया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, रे के बारे में और पॉइंट के बारे में, इन सब के बारे में हमने बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे 3D शेप्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग आज की हेडिंग डालते हैं 3D शेप्स, ठीक है, थ्री डायमेंशनल फिगर। अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल फिगर के बारे में बात करें, 3D शेप के बारे में बात करें, जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो सब 3D होती है। जिस टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हैं वो भी 3D है, जो बुक आप लोग पढ़ते हैं वो भी 3D है। 3D का मतलब जिस भी फिगर का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट दिया हो, ठीक है, वो सब के सब क्या है, 3D फिगर। या फिर हम लोग बोल सकते हैं फेस हो, वाइटेक्स हो और क्या हो, एज हो, ठीक है। तो 3D फिगर में तीन चीजें होती हैं, ठीक है। नंबर वन क्या है, फेस, ठीक है, फेस द सरफेस, जो किसी भी फिगर का जो सरफेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फेस। तो फेस की डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे, द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड इट्स फेस। जो सॉलिड का सरफेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। जो फेस होता है या तो एक कर्व्ड हो सकता है या फिर प्लेन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, इट मे बी प्लेन और कर्व्ड, या तो ये प्लेन हो सकता है या तो ये क्या हो सकता है, कर्व हो सकता है, ठीक है। नंबर टू आता है एज, एज के बारे में बात करते हैं। एज, एज जो होता है, जो हमने 2D फिगर में जो हमने पॉइंट, जो हमने वर्टेक्स के बारे में बात किया था वो 3D फिगर में, उसी को हम लोग एज बोलते हैं, ठीक है। द टू फेसेस, जहां पर दो फेस जाके आपस में मिलते हैं जिस पॉइंट को, उसी को बोलते हैं एज, ठीक है। द टू फेसेस ऑफ ए सॉलिड आर जॉइंट टुगेदर बाय लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट के थ्रू वो दोनों फेसेस क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। जहां पे ज्वाइंट होते हैं बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं एज। कॉल्ड इट्स एज, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एज। नंबर थ्री है वर्टेक्स। एज तो उसे बोलते हैं, और 3D फिगर में एक और होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, एज तो वो होता है जहां पे लाइन सेगमेंट जाके मीट करते हैं, ठीक है, जो वर्टेक्स होता है 3D फिगर का, जहां पे एडजेसेंट फेसेस जाके मीट करते हैं, ठीक है। द पॉइंट वेयर एडजेसेंट फेसेस मीट, ठीक है, इज कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप्स, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ 3D शेप्स। चलिए, सबसे पहले कौन सा फिगर आता है, क्यूब। क्यूब को हम लोग कैसे बनाते हैं, ये क्या है, क्यूब, ठीक है, ये क्या है, क्यूब, ठीक है। 1, 2, 3, ये थ्री फेसेज हमें सामने दिख रहे हैं, इसके पीछे भी थ्री फेस होगा, ठीक है, जो हमें अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये क्या होता है, 3D फिगर होता है। तो 1, 2, 3 और 3 + 3 कितना हो गया, 6। अ क्यूब हैज 6 फेसेज, ठीक है, एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, और जो इसके एज होते हैं वो फेसेज के डबल होते हैं, ठीक है। तो फेसेज के डबल कितने हो जाएंगे, 12।
12 स्ट्रेट एजेस, ठीक है। और जो इसके वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स इसमें कितना होता है, 8 वर्टिसेस, ठीक है। क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6, और 12 एज होते हैं, और 8 क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। ये था क्यूब। अब हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड के बारे में। आप लोग जो लूडो खेलते हैं, जो उसमें गोटी होती है, वो क्यूब की शेप की होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, ठीक है। ये क्या है, क्यूबॉइड। क्यूब की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड की सारी साइड क्या होती है, इक्वल नहीं होती। इसके भी 1, 2, 3 थ्री फेस तो सामने, थ्री फेस बैक साइड है, तो कितने फेस हो गए, 6। अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस, ठीक है। और इसके भी उतने ही वर्टिसेस होते हैं, 12 स्ट्रेट एजेस, और कितने वर्टिसेस होंगे, 8 वर्टिसेस, ठीक है। कितने, 12 स्ट्रेट एजेस होते हैं, और कितने वर्टिसेस होते हैं, 8 कितने होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, ठीक है। ये था क्यूबॉइड। अब हम लोग बात करते हैं कोन के बारे में, कोन, ठीक है। थर्ड इज कोन। आप लोग बर्थडे में जाते हैं, बर्थडे में जो आप लोग टोपी पहनते हैं वो किस चीज का होता है, वो कोन शेप का होता है, किसका होता है, कोन शेप का, ऐसे। ये क्या हो गया, कोन, ठीक है। ये क्या है, कोन है। इसका एक ही फेस होता है सामने, ठीक है। कोन हैज 1 फ्लैट फेस, इसके फेस तो होते हैं लेकिन एक फ्लैट फेस होता है, और ये जो सामने होता है ये एक कर्व फेस होता है, 1 कर्व फेस, 1 कर्व्ड एज, एक कर्व्ड एज होता है, ठीक है। और क्या होता है, 1 वर्टेक्स, ठीक है, एक वर्टेक्स होता है, ठीक है। कोन का एक फ्लैट फेस होता है, एक कर्व फेस होता है, और एक कर्व्ड एज होता है, और एक क्या होता है, वर्टेक्स होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्फीयर के बारे में, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, कि स्फीयर है। अगर ये सॉलिड है इसमें, ठीक है, ये क्या है, कि स्फीयर है, ठीक है, एक तरीके का स्फीयर। ये सर्कल का शेप का होता है, सर्कल तो 2D होता है, हॉलो होता है, लेकिन ये क्या है, ये 3D है, और ये क्या है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एक कर्व फेस होता है, स्फीयर है 1 कर्व फेस, एक स्फीयर का क्या होता है, एक कर्व फेस होता है, ठीक है। इट हैज नो साइड एंड वर्टेक्स, इसका ना तो कोई साइड होता है ना ही कोई वर्टेक्स होता है, बस क्या होता है, एक ही क्या होता है, कर्व फेस होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट सिलेंडर के बारे में। ये भी एक क्या है, 3D फिगर, ठीक है। सिलेंडर, ठीक है, ये क्या है, एक सिलेंडर है, एक टाइप का क्या है, सिलेंडर है। इसके 2 सर्कुलर फेस होते हैं, एक ये, एक ये, ठीक है। अ सिलेंडर हैज 2 फ्लैट सर्कुलर फेस, अ सिलेंडर हैज, एक कर्व्ड फेस होता है, अ सिलेंडर हैज 2 फ्लैट सर्कुलर फेस, ये एक सर्कुलर है, एक इसके पीछे, और ये दोनों क्या है, कर्व फेस है, 1 कर्व फेस, 1 एक ही कर्व फेस होता है, सॉरी 2 कर्व्ड एज होता है, 2 कर्व्ड एज होता है,
और वर्टेक्स नहीं होता, इट हैज नो वर्टेक्स। ठीक है, सिलेंडर का क्या होता है, टू फ्लैट सर्कुलर फेस होता है, कर्व फेस होता है और टू कर्व एज होता है और कोई भी वर्टेक्स नहीं होता। ये सब आप लोग लर्न कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे नोट डाउन करता हूँ, फिर आप लोग उसके आंसर दीजिएगा। एक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले क्या है, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर डॉट डॉट डॉट। अभी मैं आप लोगों से पूछता हूं। सेकेंड, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल। थर्ड इज, अ सर्कल हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। फोर्थ, अ ट्रायंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। ठीक है, फिफ्थ, अ रेक्टेंगल हैज डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। ठीक है, चलिए आप लोग फिल करिए। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर, मैंने अभी आप लोगों को स्क्वायर बताया था, तो बताइए स्क्वायर के साइड क्या होते हैं, स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं। ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, क्या फिल करेंगे यहाँ पे, इक्वल। द अपोजिट साइड्स ऑफ ए डैश आर इक्वल, दो अपोजिट साइड्स होते हैं वो किस चीज के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अ सर्कल हैज नो साइड्स, सर्कल का कोई भी साइड होता है और कोई भी वर्टिसेस नहीं होता, हैज नो साइड्स एंड नो वर्टिसेस। ठीक है, ये क्या है, वर्टिसेस है। ठीक है, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस। ठीक है, एंड है। और रेक्टेंगल के कितने साइड होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स एंड फोर वर्टिसेस। ठीक है, ये था आप लोगों का क्वेश्चन, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, आप लोगों का चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।